ये जो दौर चल रहा है कि कौन सा आंसर राइट है कौन सा आंसर गलत है, उसके लिए अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है, आर्गुमेंट दिया जा रहा है, और एक इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से नॉलेज को सर्च किया जा रहा है। कोई सर्च यूट्यूब पर कर रहा है, कोई यहां से कर रहा है। देखिए, ये बेस्ट टाइम ऑफ लर्निंग है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को इतने पर्सपेक्टिव से देखते हो, इतने दृष्टिकोण से देखते हो कि वो कंसेप्ट आपका इन डेप्थ जो लर्निंग उसकी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, वैसे होना ये चाहिए था, एक टाइम ऐसा आना चाहिए था कि मोस्ट जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, उस पर जिसने क्वेश्चन डाला है उसका ड्यूटी या फर्ज होना चाहिए कि वो लास्ट में एक्सप्लेनेशन दे व्हाई दिस आंसर इज राइट। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर तो किसी बुक में मिल गया, वो आंसर की कोई अचीवमेंट नहीं है, वो तो बुक में पढ़ा है जिस पर सोचना पड़ा इतने जनों को। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो सीडीपी के पीस एस्टेट के 2021 के क्वेश्चन हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो मेरे व्यू पॉइंट के अनुसार हैं वो दूंगा। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में जो देखने की, कि अगर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार देखना है तो ये आंसर सीधा नहीं मिल रहा। अगर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को हटाते हैं तो सोचते हैं तो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटेलिजेंसेस फॉर क्रिएटिविटी, ठीक। आर अब क्रिएटिविटी क्या है, हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगर आपको एक प्रॉब्लम दी गई है और प्रॉब्लम पर आप इधर सोच रहे हो, 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 न्यू आइडियाज या एसोसिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट्स, या जितने पुराने विचार हैं उनको एनालाइज करके नया विचार बना देना, नया सोल्यूशन बना देना, या नए पुराने ऑब्जेक्ट्स को, किसी ने यहां से मिट्टी उठाई, किसी ने यहां से वुडन पीस उठाया, किसी ने वहां से प्लास्टिक बॉल उठाई और उसको ज्वाइन करके एक नया टॉय बना दिया। तो ये क्रिएटिविटी है। ये दो एग्जांपल दे दी, एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर है, एक कंक्रीट लेवल पर है। अच्छा, अब क्या कौन सी राइट आंसर ये कहा जा रहा है की में, ठीक है। एनालिटिकल जो है, आप जब एक होल है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हो, ठीक। क्योंकि एनालिटिकल जो उसका पार्ट है, इसलिए एनालिटिकल को तो हम, अच्छा जब हम थ्योरी स्टर्नबर्ग की देख रहे हैं, यह रिलायबल रिसोर्सेज, अगर आपने देखना है देख सकते हो, थ्योरी हम देख रहे हैं कि ये जो एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है अगर उसके अनुसार है, दूसरी क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी के लिए कौन सी तीन इंटेलिजेंस है, ठीक। तो एनालिटिकल तो उसका पार्ट है, इसको तो यस कर लिया जाए कि यस ये उसका पार्ट होगा। दूसरा, अगर डेफिनेशन आप देखते हैं द एनालिटिकल की, द एबिलिटी टू इवेलुएट इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम, जब सॉल्व करते हो प्रॉब्लम को जो है नए सोल्यूशन की तरफ लेके जाती है, तो वो क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती है। हर हालत में एनालिटिकल आना ही आना है। सिंपल है कि उन्होंने स्टर्नबर्ग की थ्योरी का ये पार्ट है, ये वैलिड हो गया। दूसरा, इंफॉर्मेशन को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके देखना कि सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सके। क्रिटिकल इंटेलिजेंस या क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग का काम क्या होता है कि जो न्यू नॉलेज है एक लर्नर रिसीव कर रहा, न्यू नॉलेज, वो न्यू नॉलेज क्या उसकी रीजनिंग से मैच करती है, लॉजिक से मैच करती है, क्या एविडेंस से मैच करती है, क्या उसके एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से मैच कर रही है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई कह रहा है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो काम नहीं बनता, लेकिन आपकी, आप जब भी बिल्ली रास्ता कटा तो आपका काम बन गया, तो इट मींस आपके एक्सपीरियंस, आपके एविडेंस, साइंस की जो स्टडी है, साइंटिफिक मेथड से है, जो आपने बुक्स में पढ़ा है, उसके साथ अगर वो नया विचार मैच नहीं करता तो आप उसको अडॉप्ट नहीं करते। अगर नया विचार आपके लॉजिक से, आपके एविडेंस से, आपके एक्सपीरियंस से, साइंटिफिक स्टडी से मैच कर रहा है तो आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो। तो इट मींस आप क्रिटिकली थिंक कर रहे हो, मीन
कोई भी नया विचार तब लेना जब जो वैलिड नॉलेज है उससे मैच कर रहा है। तो यहाँ क्रिएटिविटी का कोई संबंध है ही नहीं। इट मींस आप नॉलेज जो है वो आप न्यू नॉलेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कोई आपको नया विचार दे रहा है, आप देख रहे हो कि ये लॉजिकल पर मैच कर रहा है, यहाँ कुछ भी नया नहीं हो रहा। दैट इज वाई जो क्रिटिकल है वो क्रॉस हो रहा है, एनालिटिकल जो है 100% एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकल क्योंकि उनकी थ्योरी का पार्ट है, हम देख चुके हैं, इसको अभी क्वेश्चन मार्क में रख रहे हैं। हाँ, इसको शामिल कर सकते हैं हम क्योंकि सीधा उनकी थ्योरी का पार्ट है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट है, थॉर्नडाइक ने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। उनकी फर्स्ट इंटेलिजेंस थी एब्स्ट्रैक्ट, दूसरी कंक्रीट, तीसरी सोशल। सोशल जो इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी का बेस बनी। अच्छा, जब आप डेफिनेशन देखते हो थॉर्नडाइक की थ्योरी की इंटेलिजेंस की, कैप्चरिंग व्हाट टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस मेजरिंग, जो एक इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करता है वो क्या मेजर करता है, उसको भी सीधा आप ये देख लो। इंटेलिजेंस टेस्ट या आईक्यू टेस्ट जिसको आप बोलते हो, मेजर क्या करता है? एक उसने वर्बल एबिलिटी मेजर करनी है, दूसरी मैथमेटिकल एबिलिटी। ये दोनों ही जो सिंबल्स हैं, सिंबल और मैथ्स में रीजनिंग, ये है ना, दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब और क्या है कि जो आपके माइंड में है यहां पर है, यहां पर है, जो बाहर है, यहां बाहर है, इसको देख सकते हो आप, इसको देख सकते हो, छू सकते हो, सूंघ सकते हो, तो ये कंक्रीट हो गया। ठीक, जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट होना ही काफी नहीं है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नए विचार ढूंढ रहा है, ये माइंड में नए विचार ढूंढ रहे हैं, तब वो क्रिएटिविटी है। तो टोटल मिला के अगर आपने देखना है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको क्वेश्चन मार्क में ही रख सकते हैं, ये डाउटफुल है, क्रिएटिविटी की तरफ नहीं लेके जा रहा। ठीक, इतना एनालिसिस हम कर सकते हैं। हाँ, सिंथेसिस का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है कि आप जब चीजों को, जब विचारों को जोड़ते हो, इसका मोस्ट वैलिड जो ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखें तो नई और पुरानी ब्लूम टैक्सोनॉमी जब आप कंपेयर करोगे, इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, ये रहा बड़ा। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी सारे बनते हैं। 1956 में और 2001 में जो चेंज हुआ है, इवेल्युएशन टॉप पर था और सिंथेसिस सेकंड टॉप पर था, सेकंड नंबर पर था। सिंथेसिस को बाद में टॉप में ले लिया गया और वर्ड क्या दिया गया, क्रिएटिंग। सिंथेसिस से क्रिएटिंग बेटर शब्द लगा, दैट इज वाई क्रिएटिंग शब्द इसमें ऐड कर दिया गया, वर्ब ऐड कर दी थी। अब ये देखना है, सिंपल कॉमन सेंस भी है, जो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बताई कि चीजों को जोड़ के नई चीज बना देना, सिंथेसाइज कर देना, सिंथेसाइज मीन जोड़ देना, एनालिसिस मीन तोड़ना, तोड़ के समझना। अब तोड़ के समझना और चीजों को बीच में शामिल करके नई चीज बना देना क्रिएटिविटी है। ये मोस्ट वैलिड जो है आइटम है। मैं पूरा डिस्ट्रक्टर एनालिसिस इसलिए कर रहा हूं कि आप, क्योंकि ऑब्जेक्शन करना चाहते हो, चैलेंज करना चाहते हो, तो किसी भी ढंग से इसको वापस नीचे चलते हैं। हाँ, तो हमारे पास मोस्ट वैलिड जो बच रहे हैं, जो सिंथेसिस, यस, ये क्यों डाउटफुल रहा अब तक, क्योंकि स्टर्नबर्ग ने सीधा शब्द अपनी थ्योरी में ये नहीं जो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है उसमें नहीं किया। ठीक, एनालिटिकल उसका पार्ट है, यस, प्रैक्टिकल भी उसका पार्ट है, दैट इज वाई। अच्छा, प्रैक्टिकल ये जो ब्लॉक वाले हैं ये ठीक चल रहे हैं, एनालिटिकल पार्ट है, लेकिन ये क्रिटिकल क्रॉस हो रहा है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क करके क्रॉस कर रहे हैं। सिंथेटिक है, ये रहा, और एनालिटिकल ये रहा, ये और एनालिटिकल ये रहा, ठीक, और प्रैक्टिकल ये रहा। ठीक, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हम नहीं निकाल सकते, तो जो एक ऑप्शन बच रही है जो मैक्सिमम कॉन्सिस्टेंट दे रही है, दैट इज वाई राइट आंसर इधर ज्यादा जा रहा है और की तरफ से, इसको ऑब्जेक्शन में आप मत लेके जाइए। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ हरलॉक, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। अगर आपने सीधा कॉमन सेंस से भी एनालिसिस करना है तो जो क्या ग्रोथ होती है प्रोग्रेसिव होती है। एक तो हो गया सेल का सिस्टम साइज का बढ़ना, क्या साइज का बड़ा हो जाना प्रोग्रेसिव होता है या उस बड़े साइज से या छोटे साइज से, बड़े हाथ से या छोटे हाथ से बहुत बड़े काम कर लेना, क्रिएटिव काम कर लेना, किसी की इसी हाथ से आप किसी को मार सकते हो, इसी हाथ से किसी को बचा सकते हो, ठीक है। एक डॉक्टर है इसी हाथ से किसी की जान बचाता है और एक जो किलर है वो इसी हाथ से उसको मार देता है। जो मार देना है किसी की जान ले लेना है वो डिटीरियोरेशन है, प्रोग्रेसिव नहीं है, ठीक है। जो जान बचा लेना है वो प्रोग्रेसिव है, ठीक है, मॉरली सोशली। सो प्रोग्रेसिव शब्द ही सारी चेंज जो बता रहा है कि डिफरेंस है। दूसरा प्रोग्रेसिव सीरीज, ठीक, चेंज चलो दोनों में शामिल है, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यहां डिफरेंस कर रहा है, ड्यू टू एक्सपीरियंस, जो ग्रोथ है लार्जली हेरिडिटी से डोमिनेट कर रही है, हेरिडिटी डिसाइड करती है कब आपका साइज बढ़ना है, कितना बढ़ना है, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस से जब आप डेफिनेशन करते हो वो लर्निंग होती है, और लर्निंग से, लर्निंग दो तरह की, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव लर्निंग है वो एक्सपीरियंस से आपको डेवलपमेंट वो कहलाती है। अब हेरिडिटी से साइज के बड़े होने से कोई मतलब नहीं है अगर वो आपके लिए प्रोग्रेसिव नहीं है। प्लस ये प्रोग्रेसिव का दूसरा अर्थ ये समझना है, आप पॉजिटिव लर्निंग, पॉजिटिव लर्निंग कहां से आएगी, एक्सपीरियंस से, ठीक। और एक्सपीरियंस कैसे वाइडन होंगे, मैच्योरेशन से, ठीक। मैच्योरेशन ये एक वीडियो में टोटल मैंने बात की हुई है, काफी लंबा हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या है, प्रोग्रेसिव वर्ड जो है पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है। जो दूसरा एक्सपीरियंस शब्द है, ये दोनों शब्द ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस बता रहे हैं। दैट इज व्हाई प्रोग्रेसिव भी डेवलपमेंट से है, एक्सपीरियंस भी डेवलपमेंट से है, दैट इज व्हाई राइट आंसर इसमें जा रहा है। वैसे बुक में सीधी जो डेफिनेशन है मेरे ख्याल में मिल रही होगी, मेरे पास अभी नहीं है, बाद में प्रोवाइड करवा सकता हूं। सो बेस्ट आंसर ये बन रहा है, दैट इज व्हाई। देखिए एक वीडियो में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में टोटल डिफरेंस बताया था, शायद वो वीडियो पता नहीं देखी होगी आपने के नहीं। तो बेसिक डिफरेंस जो है, ये जो एग सेल है, ठीक है, और ये स्पर्म सेल है, ये पहले मिलते हैं। ये मिलने के बाद क्या प्रोसीजर होता है कि सेल जो है एक बन जाता है, और एक सेल जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, उसकी डिवीजन हो जाती है, डिवीजन होके वो सेल कितने, दो में तब्दील हो जाता है। अभी देखोगे आप यहाँ के एक सेल है, एक सेल के साथ स्पर्म जुड़ा और ये दो सेल हो गए, दो के बाद ये चार हो गए। ये कंसेप्शन के वक्त है जब हम चार के बाद ये सेल डबल हो गए, एट हो गए। अब एट होने के बाद ये 16 हो गए, 16 होने के बाद ये 32 हो गए। अब यहां इसको स्टॉप कर देते हैं। देखिए ये जो प्रोसेस है, जस्ट साइज हमारा ऐसे बढ़ रहा है, 9 महीने के बाद ये पूरा बेबी बन जाएगा, तो ये ग्रोथ है। लेकिन जब ये डिलीवर हो जाता है, बेबी डिलीवर हो जाता है, उसके बाद उसकी ग्रेजुअली फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, और फंक्शनिंग इंप्रूव होते होते कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग के लिए जो हम लर्न करते रहते हैं, जितनी कॉम्प्लेक्स लर्निंग हो रही है उतनी आपकी डेवलपमेंट हो रही है। तो डेफिनेशन में भी ये चीजें आप देख सकते हो, जो डेफिनेशन में भी ये आप देख सकते हो, यहां यहां डेफिनेशन में यहां देख सकते हो कि प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, वहां क्या है, वहां भी चेंज है। चेंज किसका है, वहां सेल, सेल्स का है, हम सेल ही हमारे बढ़ रहे हैं। यहां कहीं भी वहां नहीं बताया जाता कि जो ग्रोथ की डेफिनेशन है उसमें सेल
के साइज का बढ़ना होता है, हमारी बॉडी के साइज का बढ़ना होता है, हमारे ऑर्गन के साइज का बढ़ना होता है, वेट का बढ़ना होता है, वो सेल के साइज का बढ़ना एक्सपीरियंस के बिना है। अब वहां पर कंसेप्शन के टाइम पर अंदर नेचर सब कुछ कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे, मदर और फादर भी कुछ नहीं कर रहे, जस्ट उनका काम मेटिंग था, उसके बाद एक सेल दूसरा सेल मिलके सारी प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक मैच्योरेशन भी नहीं कुछ कर रही, जस्ट सब कुछ नेचर कर रहा है। तो जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है उसमें प्रोग्रेसिव भी और मैच्योरेशन भी एक्सपीरियंस भी, ये तीन शब्द ग्रोथ से इसको जो है बहुत ज्यादा अलग कर रहे हैं, जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं जब हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट ये होल है और ग्रोथ उसका एक पार्ट हो गया, ये डेवलपमेंट हो गई। तो जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर वक्त हम ग्रोथ को बीच में शामिल रखते हैं, पर यहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हरलॉक के अनुसार कहा गया है, हरलॉक के और जो पहला जो शब्द है, पहला जो अगर राइट आंसर ढूंढना है तो यही होगा, दूसरा राइट आंसर अगर जाओगे तो हाँ ये कह सकते हैं। तो यहां पर पर्सपेक्टिव फिर आ गया, लेकिन इस एनालिसिस से हमने सीखा है, मुझे ये ज्यादा लेना देना नहीं है कि एक क्वेश्चन वहां ठीक हो रहा है, मुझे ये ज्यादा लेना देना है कि आपकी रीजनिंग, आपकी थिंकिंग, आपकी लर्निंग, आपका नया एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन मिस डायग्नोस्टिक, मिस अब नेगेटिव ही वर्ड है, ठीक है, डायग्नोसिस के जो जो ढूंढे जाते हैं, जब हम कहते हैं कि डायग्नोस करना है, कि आइडेंटिफाई करना है, चलो ये इसको ऐसे समझ लेते हैं। अच्छा, गिफ्टेड हम जानते हैं कि 140 से जहां किसी एक फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट जो देता है वो गिफ्टेड है, ठीक। अब क्या है कि ही वर्ड की एक बुक है, ही वर्ड, ये मेरे ख्याल में मैंने भी आज से 20 साल पहले पढ़ी है और उससे शायद 20-25 साल पहले लिखी गई होगी, बहुत फॉरेन ऑथर की, स्पेशल एजुकेशन की या साइकोलॉजी की, ये बड़ी वैलिड बुक है। तो उसमें एक मुझे आज तक याद है, रामगढ़िया कॉलेज ऑफ एजुकेशन फगवाड़ा में की लाइब्रेरी में मैंने पढ़ी थी, तो उसमें यहाँ उस मेमोरी के बेस पर ये डिस्कस कर रहा हूं, तो उस बुक में है कि शायद ये जो जनरली जब हम गिफ्टेड चिल्ड्रन को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो जिनको नॉलेज नहीं होती वो ऐसे उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, ये मिस इंटरप्रिटेशन है कि वो हाइपर एक्टिव है, वो एक्टिव ज्यादा होते हैं, हम उसको हाइपर एक्टिव चलो कह देते हैं, अटेंशन डिफिसिट नहीं, कभी भी नहीं होता ये, दैट इज वाई मिस होगी, उनकी अटेंशन स्पैन ज्यादा होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव तो एक दूसरा डिसऑर्डर है कि वो किसी आइडिया को माइंड में दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, या किसी चीज को एक्शन को बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक। और मूड डिसऑर्डर, हाँ ये ज्यादा होता है क्योंकि वो जल्दी ही जो डिस्टर्ब हो जाते हैं कॉमन सिस्टम से, उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हमने इस तरफ जाना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड, ये बात है, ये बात पहले भी मैंने डिस्कस की हुई है, एक तो फर्स्ट, ये फर्स्ट अगर करोगे तो किंडरगार्टन ही है, ठीक, पहले फ्रॉबल की थ्योरी आई है, ठीक है, और उसके बाद मोंटेसरी की आई है, ऑर्गेनाइज्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनल मेथड, मैंने ये कहा था कि ये मोंटेसरी इज ए मेथड, ठीक है, दैट इज वाई अगर मेथड पर फोकस करते हो तो मोंटेसरी इज राइट आंसर, अगर फर्स्ट पर फोकस करते हो तो किंडरगार्टन पर, अगर फर्स्ट और मेथड दोनों पर फोकस करते हो फिर भी मोंटेसरी मोस्ट राइट आंसर है। तो यहां पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, दैट इज वाई अगर इन दोनों में से आपने ऑब्जेक्शन लगाना है, अगर यहां से यहां लगाना है तो आपका ऑब्जेक्शन सही नहीं माना जाएगा, अगर उन्होंने की में राइट आंसर ये दिया है किंडरगार्टन तो आपके ऑब्जेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा,
ये मेरे अनुसार है, क्योंकि बुक्स में साफ मिल जाता है कि फ्रॉबल ने मोंटेसरी से पहले अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए काम किया है, तो उस बेस पर, उस ऑब्जेक्टिविटी के बेस पर जो मैंने कहा है कि फर्स्ट शब्द के बेस पर आपका ऑब्जेक्शन जो है, अगर इस पर करते हो कि ये राइट आंसर है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। दैट इज वाई ये आप डिसीजन ले सकते हैं इसके बेस पर। नेक्स्ट है जी, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्कूल सपोर्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, उसके फादर कौन से हैं, हम जानते हैं कि जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी ने क्या किया था कि जो सबसे पहले लैब स्कूल जो खोले थे। अब लैब स्कूल्स क्या थे, लैब स्कूल्स वो स्कूल्स थे जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता था कि बेटर और एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे हो सकती है। जो फ्रॉबल एंड मोंटेसरी है, उन्होंने सिर्फ बहुत छोटे बच्चों पर जो है प्री प्राइमरी पर ज्यादा काम किया है, तो ये उनके बाद बड़े बच्चों पर भी, स्कूल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हुए थे। उस एक्सपेरिमेंट पे क्या होता था, देखिए आप अगर जॉन डेवी की फिलॉसफी पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन, ये शब्द बार बार आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों शब्द एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो प्रैग्मेटिज्म आपने पढ़ा होगा, जो तीन बार बार आएंगे। और लेबोरेटरी स्कूल इसी के बेस पर थे कि एक तो जॉन डेवी ने भी एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या इस तरह से बच्चों को एजुकेशन देने से ज्यादा फ्रीडम देने से, ज्यादा उनको जो उनके इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग देने से, उनके टेस्ट के अनुसार, अच्छा ज्यादा रीडिंग राइटिंग नहीं, ज्यादा डूइंग से शुरू करना, एक्शन से शुरू करना, ठीक है। वो कैसे मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में किचन खोल दी, एक में वो कारपेंटर का खोल दिया, ठीक है, उसी एक ही स्कूल में। ऐसे डिफरेंट चीजें जो है, जो लेबोरेटरीज जो है, जो एक्सपेरिमेंट यहां बच्चे कर सकते थे, नई चीजें बना सकते थे। जैसे अब किसी को खाने बनाने का शौक है, तो वो किचन में सचमुच बना के देखेगा, उसके बाद उससे रिलेटेड बुक पढ़ेगा अगर उसको प्रॉब्लम आती है। यहां क्या था कि सबसे पहले एक्शन होगा, एक्शन, ठीक है, लैब में सबसे पहले एक्शन होता है, ये हमें पता है। एक्शन होने के बाद अगर कोई चीज समझ नहीं आती, प्रॉब्लम आती है, तो थ्योरी की तरफ जा रही है। आप देख लेना प्रैग्मेटिज्म पढ़ के, वो एक्शन से थ्योरी की तरफ है, ठीक। हमारा जो सिस्टम आज भी थ्योरी से एक्शन की तरफ जा रहा है। आज आप क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हो, क्या है, थ्योरी, थ्योरी एंड थ्योरी। थ्योरी से जिंदगी नहीं जी जाती, थ्योरी जब तक कोई काम की नहीं है जब तक उसके एक्शन ना हो। उसने की अप्रोच ही बिल्कुल उल्टी थी। दैट इज व्हाई लेबोरेटरी स्कूल खोले गए थे, एक्शन ओरिएंटेड स्कूल, जो एक्शन से शुरू होंगे। अगर मेरे को कारपेंट्री का शौक है, मैं कुछ नया बनाना चाहता हूं, मैं मिट्टी का कुछ बनाना चाहता हूं, बच्चों को वो बनाने दिया जाता था, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जब ये शब्द आ जाते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, अच्छा इसी का दूसरा नाम प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। तो हर हालत में मेरे ख्याल में बाकी स्कूल को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेबोरेटरी इज अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन मे हैव डिफिकल्टी। अब डिफिकल्टी मेन वर्ब है, इसको अंडरलाइन करना है। सारा जो दरोमदार है इस क्वेश्चन का इस पर है। हाँ ये शायद ऑब्जेक्शनेबल हो जाए, देखते हैं। इन रीडिंग हम समझ रहे हैं, इस वक्त मैं देख रहा हूं कि एल लिखा है, ए लिखा है, सी लिखा है। कैसे देख रहा हूं, विजन से देख रहा हूं, तो मैं एकदम विजुअल ये लगा दूंगा आंसर, ठीक। की में मेरे ख्याल में की में ऑल ऑफ दी अबव दिया गया है। अब विजुअल हर हालत में आएगा, ये बात पक्की है। अब दूसरी बात के क्या लैक ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अब आप ये देखिए कि डिफिकल्टी क्या होती है और इंटरेस्ट क्या होता है। इसको कैंसिल करके यहां पर इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक। डिफिकल्टी क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये लर्नर है, ठीक है। लर्नर क्या करना चाहता है, लर्नर कुछ गोल को अचीव करना चाहता है। गोल अगर रिलेटेड है डूइंग से, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिब्बा खोलना चाहता हूं, मेरे से वो डिब्बा नहीं, किचन में काम कर रहा हूं और डिब्बा नहीं खुल रहा,
तो देयर इज ए प्रॉब्लम, मैं जोर लगा रहा हूं खोलो नहीं खुल रहा, इट मीन्स मेरा इंटरेस्ट है खोलने में और बीच में प्रॉब्लम आ गई है और डिफिकल्टी उसको कहेंगे ना, फर्स्ट इंटरेस्ट है ना। दूसरी बात है कि मैं कुछ अंडरस्टैंड करना चाहता हूं या नोइंग करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल एक बुक में से कुछ स्टडी समझना चाहता हूं, ये क्वेश्चन भी हम समझना चाहते हैं, हमें जो जो ऑब्जेक्शन करने हैं ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, गोल हमारा ये है, तो ये करने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, नॉलेज हमें नहीं मिल रही, इट मींस प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन डूइंग हो नंबर एक, जा नोइंग करनी हो, कोई भी हो काम करना, गोल इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये यू आर इंटरेस्टेड, यहां इंटरेस्ट है, यहां भी इंटरेस्ट है, तो जब इंटरेस्ट है तो ही डिफिकल्टी आएगी। डिफिकल्टी क्या है कि वो काम हो नहीं रहा, डिब्बा खुल नहीं रहा, जो क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहा, तो वो डिफिकल्टी होगी। अब वापस चलते हैं डिफिकल्टी के कंसेप्ट को यहां से ये देख के, तो अगर लैक ऑफ इंटरेस्ट है तो डिफिकल्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो दैट इज वाई यहां पर मेरे हिसाब से ये गलत है और ये हम ठीक कर चुके हैं कि ये राइट है। अब अगर ये गलत है तो ऑल ऑफ दी अबव आ ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन भी अगर आपने देखना है, ऑडिटरी, ऑडिटरी का मीनिंग पता है हमें, कानों से है, सुनने से है, ठीक है, एक लिसनिंग होती है, हेयरिंग होती है, हेयरिंग जो नेचुरल आवाज हम हमारे अंदर जाती है, जब नेचुरल आवाज हमारे अंदर नहीं जा रही, मान लो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मान लो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई तो दे रहा है ना, तो ये जो रीडिंग है आप मान लो मुझे सुनाई नहीं दे रहा या कम सुनाई दे रहा है, तो क्या वो बच्चा जिसको कम सुनाई दे रहा है पर उसकी विजुअल वो आंखें सही काम कर रही हैं, ठीक, अगर आंखें भी कम काम कर रही हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट लेंसेज लग जाते हैं और कई तरह के जो ऑप्शन है, तो उसके बाद वो ये उनकी विजन सही है और ये नहीं सही, ये है और ये नहीं है, ठीक है, तो नेचुरली वो रीड कर पाएगा, आप देख सकते हो। इट मींस रीड करने के लिए सबसे पहले विजुअल जो है बेटर चाहिए, ना कि जो दूसरी है। अगर ऐसी डिफिकल्टी हमने गिनानी है तो सारी डिफिकल्टी डिफिकल्टी है, वो क्वेश्चन का तुक नहीं बनती। अगर बेस्ट आंसर निकालना है इसमें से, ये बेस्ट आंसर नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर पी में ये दिया गया है तो ये चैलेंज किया जा सकता है, मैं इसके फेवर में हूँ, विजुअल डिफेक्ट्स आर वर्ब, क्योंकि लॉजिक पर पूरे उतर नहीं रहे, यहाँ क्वेश्चन जिसने बनाया है उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ हम जैसे हैं वो भी लर्न कर सके, वो लर्निंग क्या होगी कि वो जो एमसीक्यू कंस्ट्रक्टर है वो किस पर्सपेक्टिव, किस दृष्टिकोण से सोचता है, ये ही पता लगेगा, लेकिन उसको नॉलेज या राइट नॉलेज नहीं हम कह सकते, ठीक। तो ये थे इसके रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो उसका जवाब, जहाँ आप क्वेश्चन भी भेज सकते हो कि अगर उसकी जो आप चाहते हो एक्सप्लेनेशन चाहते हो या मेरा पर्सपेक्टिव चाहते हो, ये मेरे पर्सपेक्टिव थे, मेरा पर्सपेक्टिव मैंने लॉजिक के हिसाब से देने थे जहाँ जो मेरे पास अब तक नॉलेज है, ठीक है, गलत कोई भी हो सकता है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार नॉलेज इज सब्जेक्टिव, ओके, कॉग्निटिविज्म के अनुसार नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनमें जो सब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये जो डिस्कशन है बेटर है मेरे हिसाब से, बेस्ट है, ऐसी लर्निंग और लाइफ बेटर हो सकती है। थैंक यू।